हाँ तो गाइज, अगर आप भी इस टाइप की सीवी फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप किसी भी फोटो को सीवी एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्या है वो ट्रिक, तो उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किए हैं तो जाके फॉलो भी कर लीजिएगा, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हाँ तो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, और जिस भी फ़ोटो को आप एडिट करना चाहते हो उसे सिंपली यहाँ से ले लेंगे। देन गाइस, जैसे कि मैं इस वाली फ़ोटो को एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इसे ले लूँगा। और इस वाली सीवी एडिटिंग में हम किसी भी बैकग्राउंड चेंज नहीं करेंगे, और इसी फ़ोटो को बैकग्राउंड को हम लोग सीवी टाइप में बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पेंसिल वाले ये आइकन पे आप लोगों को क्लिक कर देना होगा, और आप लोगों के सामने एक हीलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप लोगों को हीलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और हीलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपने जो आपका जो है पूरी बॉडी है उसको कुछ इस टाइप से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देन गाइस, इतना सारा सिलेक्शन करने के बाद आपको सिंपली ऐसे छोड़ देना है, और ये आपकी हीलिंग टूल आपकी कुछ इस टाइप से कर देगा, अपने अपने मॉडल को रिमूव कर देगा। तो गाइज, इतना करने के बाद आपको इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस पेंसिल पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और डिटेल्स को ऐसे इंक्रीज करेंगे, लगभग 14 कर देंगे। और इतना करने के बाद आपको इस राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर से हम लोग इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप लोगों के सामने एक एच डी आर स्कोप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसकी जो है स्ट्रेंथ को हम लोग फिल्टर को इतना कर देंगे 72 कर देंगे, और सेचुएशन को भी हम लोग लगभग 25 कर देंगे। और देन गाइज, इतना करने के बाद आपको इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको इस पेंसिल पे क्लिक कर देनी है, और यहाँ के आपको एक कोने में ट्यून इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और करने के बाद आपको सेचुएशन को ऐसे इंक्रीज करना है, 23 22 रख देंगे, और आपको ऐसे नीचे आ जाना है, आपको ऐसे इंक्रीज करना है, लगभग 21 कर देंगे। और इतना सारा सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है, और फिर से आपको क्या करना है, इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे। और क्या है वो ट्रिक दोस्तों, इसी टूल का माध्यम से ये ट्रिक काम करेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पेंसिल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेंस ब्लर पे। और क्लिक करने के बाद आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और इसे पंच करके ऐसे सटा लेनी है, और नीचे लाएंगे, और इस सेकेंड वाले ऑप्शन को हम लोग फुल्ली एकदम डिक्रीज कर देंगे, और लास्ट वाले ऑप्शन को भी हम लोग फुल्ली डिक्रीज कर देंगे, और ब्लर को हम लोग ऐसे इंक्रीज करेंगे। और इतना करने के बाद आपको इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों, ये आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से बन जाएगी। तो ये ट्रिक अब काम करती है दोस्तों, मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसमें एक ट्रिक बताऊंगा, तो यही है ट्रिक। तो क्या करना, आपको इस पेंसिल पे क्लिक कर देनी है, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ से प्लस पे क्लिक करके हम लोग जिस फ़ोटो को हम लोग एडिट करना चाहते हैं, लिए थे शुरू में, उसे हम लोग ले लेंगे, और इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, और इसकी ओपेसिटी को हम लोग फुल्ली इंक्रीज कर देंगे। देन गाइस, इंक्रीज करने के बाद आपको इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और ऊपर साइड में हम लोग क्रॉस तीर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, बी एडिट पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से सिंपली ब्रश को ले लेंगे। देन गाइस, ब्रश को लेने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, और आपको सिंपली अपने बैकग्राउंड पे कुछ इस टाइप से इरेज करना है। आप लोग देख सकते हैं कितना इजीली आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जा रहा है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जा रहा है, और प्रोफेशनल, कोई कह नहीं सकता कि इस बैकग्राउंड को जो है चेंज किया गया है ब्लर करके। और यही था ये ट्रिक, आज तक पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं ऐसा बताया है। तो भाई, इसके लिए तो एक लाइक बनती है, और मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर किए नहीं हैं।
देन गाइस आप लोगों को इतना करने के बाद सिंपली आपका बैकग्राउंड देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल तरीके से ब्लर हो चुका है। और इस सिंपली यहाँ से हम लोग राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग बैक हो जाएंगे। और बैक हो जाने के बाद दोस्तों आपका बैकग्राउंड जो ब्लर हो चुका है और हम लोगों को क्या करना है अपनी फेस को जो है स्मूथ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सिंपली पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इसके लिए हम लोग पोर्ट्रेट का यूज करेंगे। इस वाले आइकन पर हम लोग क्लिक कर देंगे पोर्ट्रेट और फेस वाले ऑप्शन को हम लोग ऐसे इंक्रीज करेंगे और स्किन स्मूथिंग को भी हम लोग फुल कर देंगे। और देन गाइस इतना करने के बाद आपको इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से इस पेंसिल पे क्लिक करना है और ऐसे ऊपर आना है। आप लोगों को एक सिलेक्टिव का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको हम लोग ले लेंगे। लेने के बाद अपनी फेस पर कुछ इस टाइप से रखेंगे, छोटा करेंगे और इसकी ब्राइटनेस को हम लोग इंक्रीज करेंगे। फिर से इस पर क्लिक करेंगे और अपने लेग पे लगाएंगे, छोटा करेंगे ब्राइटनेस को इंक्रीज करके और देन गाइस आपको इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका इतना सारा काम करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। अब बैकग्राउंड आपका देखिए कितना एक क्लिक में सीबी एडिटिंग हो जाएगा। इस वाले आइकन पर हम लोग क्लिक करेंगे और इस फोटो को हम लोग शेयर कर लेंगे लाइटरूम मोबाइल में। और यहाँ से हम लोग लाइटरूम मोबाइल में शेयर कर लेते हैं। ऐसे आप लोग ऊपर से स्क्रॉल करेंगे, आप लोगों के यहाँ लाइटरूम का एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे और हम लोग लाइटरूम में आ जाएंगे और ऑल फोटो पे क्लिक करके एक प्रीसेट को हम लोग ले लेंगे। और इस प्रीसेट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इस प्रीसेट को सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से इस प्रीसेट को लेने के बाद आपको इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से सिंपली आपको कॉपी सेटिंग कर देनी है। कॉपी सेटिंग करने के बाद आपको इस राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर इस वाली फ़ोटो को लेंगे जिसको हम लोग शेयर किया लाइटरूम मोबाइल में और थ्री डॉट पे हम लोग क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ से हम लोगों को पेस्ट सेटिंग कर देनी है। तो गाइस पेस्ट सेटिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी कूल हमारी फ़ोटो जो है एक क्लिक में सीबी एडिटिंग हो चुकी है। और इस फोटो को हम लोग देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल तरीके से एडिट हो चुकी है। अब इस फोटो को हम लोग दोस्तों सेव करने के लिए इस शेयर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और सिंपली यहां से हम लोग सेव टू डिवाइस क्लिक कर देंगे। देन गाइज ये हमारी फोटो सेव हो चुकी है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।